बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। दीज आर ऑफ थ्री टाइप। नंबर फर्स्ट, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। नंबर सेकेंड, मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स। नंबर थर्ड, एसोसिएटेड कोलाइड्स। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स बेटे होते हैं वो कोलाइड्स जिनमें पार्टिकल का साइज बहुत ही कम, लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से कम का साइज होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम का साइज होता है, और वही पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट होकर के जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक ऐसे डायमीटर का पार्टिकल्स बना लेते हैं जिसकी रेंज होती है हमारी कोलाइडल रेंज के बराबर। तो इस टाइप के जो कोलाइड्स होते हैं वो कोलाइड्स हमारे कहलाते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स, या फिर इनका दूसरा नाम है माइक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स, मॉलिकुलर कोलाइड्स। द स्पीसीज कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाई वंडर वाल फोर्सेस। जो स्पीसीज होती हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में बेटा, वंडर वाल फोर्सेस के थ्रू जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप इज गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, ETC। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। नेक्स्ट नंबर टू, दिस इज मैक्रो मॉलिक्यूल मॉलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं बेटा, वो कोलाइड्स होते हैं जिनकी जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज वो बड़ा होता है, बिगर होता है, किसके साथ में, इन कंपैरिजन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और उनकी जो डायमेंशन होती है हुज डायमेंशन आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, उनकी जो डायमेंशन होती है वो भी क्या होती है बेटा, लार्ज होती है, बड़ी होती है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिकुलर मासेस आल्सो क्या होगा, वेरी हाई होता है, मॉलिकुलर मासेस भी उनका वेरी हाई होता है, और जब मॉलिकुलर मास वेरी हाई होगा तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को जब हम डिस्पर्सन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्पर्स्ड कर देते हैं, तो इस टाइप का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल मॉलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस, इन मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स द डिस्पर्स्ड पार्टिकल आर देमसेल्व लार्ज मॉलिक्यूल्स विच हैव वेरी हाई मॉलिकुलर मास।
फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन पॉलीप्रोपाइलीन दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. नेक्स्ट नंबर थर्ड इज एसोसिएटेड कोलाइड्स. एसोसिएटेड कोलाइड में क्या होता है बेटा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़ करके बड़े पार्टिकल्स बना देते हैं, यानी कि दोज कोलाइड्स विच हैव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन यानी कि लो कंसंट्रेशन पे वो किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं. लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन उनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उनका बिहेवियर किसकी तरह होना शुरू हो जाता है, कोलाइड्स की तरह उनका बिहेवियर शुरू हो जाता है. तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोलाइड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स. ओके.